किशन भाई नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले लहसुन की तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में। अभी जुलाई की आज 26 तारीख हो गई है, तो जुलाई का 5 दिन बचे हैं। तो जुलाई के इन 5 दिनों में आपको लहसुन में तेजी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, मैंने 5 दिन पहले मैंने प्याज की तेजी मंडी रिपोर्ट के बारे में बताया था, तो आप वो वाला मेरा वीडियो भी जाकर देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि प्याज में क्या तेजी और मंदी देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम लहसुन के बारे में बात करने वाले हैं कि जुलाई में ओनली 5 दिन बचे हुए हैं, तो जुलाई के आखिरी आखिरी सप्ताह में आपको तेजी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो हम आपको यही बताने वाले हैं कि जुलाई में मतलब लहसुन में तेजी या मंदी देखने को मिलेगी, आपको तेजी या नरमी देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास के बेल बटन पर भी बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नई नोटिफिकेशन मिल सकती है। चलिए किसान भाइयों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहे, हम आपको छोटी से छोटी जानकारी भी इस वीडियो में देंगे। किसान भाइयों, आज जुलाई की 26 तारीख हो गई है, तो हम 126 तक की बात करते हैं तो लहसुन में उतार चढ़ाव देखने को मिला, तो परंतु लहसुन में आपको नरमी ही देखने को मिली, तेजी देखने को बहुत ही कम मिली। तो किसान भाइयों, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जुलाई महीने के अंत सप्ताह में आपको तेजी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी जून महीने की हम बात करते हैं, तो जून महीने में आपको ऐसा ही हुआ था कि जून महीने में पहले आपको भाव देखने को नहीं मिला था, लेकिन लास्ट सप्ताह में आपको लहसुन में बड़ी जोरदार तेजी देखने को मिली थी। तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये अभी भी जुलाई के अंत सप्ताह में आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि उसके जुलाई के अंत सप्ताह में आपको तेजी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो किसान भाइयों, अब हम लहसुन की बात करते हैं। तो बहुत सारे किसानों के पास लहसुन पड़ा हुआ था, तो किसान भाइयों ने लहसुन बेच दिया कि भाव आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसी के पैसों की ज़रूरत थी तो लहसुन बेच दिया। तो लहसुन अब के मतलब जो खरीदने वाले हैं उन्होंने खरीद लिया है, तो अब लहसुन की बहुत ही कम किसान भाइयों के पास बचकर रह गया। हमने अभी कृषि आंकड़ों के अनुसार और कुछ जानकारी मिली थी, उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि जुलाई के आखिरी सप्ताह में आपको तेजी देखने को मिल सकती है, थोड़ी बहुत आपको अगस्त में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, जो मैंने थोड़ी बहुत जानकारी और कृषि आंकड़ों को देखकर मैं आपको ये थोड़ी बहुत जानकारी बता रहा हूँ, ये जानकारी थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कृषि आंकड़ों के अनुसार ही आपको बता रहा हूँ और मैं आपको सही और सटीक जानकारी देने की पूरी पूरी कोशिश भी कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, हम वीडियो बनाने के पहले हम कृषि आंकड़े देखते हैं, कुछ जानकारी खरीदते हैं, उनका डाटा कलेक्ट करते हैं। हम डाटा कलेक्ट करने के बाद, पूरी जानकारी लेने के बाद ही हम वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बारे में अपलोड करते हैं। तो इसमें कुछ जानकारी थोड़ी सही जानकारी देने की ही हम आपको कोशिश करेंगे, बस इसलिए यह मेरी छोटी सी जानकारी थी जो आपको कैसी लगी, इस माह में आपको तेजी देखने को मिल भी सकती है। तो किसान भाइयों, यह मेरी छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं, और ये छोटी सी किसान भाइयों को भी भेज दे जानकारी, जिससे कि उनके पास अगर लहसुन पड़ा हुआ हो तो उनको भी कुछ ये जानकारी से फ़ायदा हो कि। तो चलिए किसान भाइयों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।